एवरीवन, तो चलिए आज मैं आपके साथ बहुत दिनों बाद कोई रेसिपी शेयर कर रही हूँ। तो जो कि है, जैसे कि मैं आ गई हूँ, आप पीछे बैकग्राउंड देख के समझ गए होंगे मैं आ गई हूँ घर यानी हरिद्वार। तो बहुत टाइम बाद फाइनली मैं आ गई हूँ और आज आपके साथ कोई रेसिपी शेयर कर रही हूँ। बहुत टाइम हो गया कोई रेसिपी शेयर किए हुए, क्योंकि जैसे कि मैं आपको पता है मायके जा रही थी, तो इस वजह से उस रेसिपी वगैरह कम ही शेयर की मैंने आपके साथ। तो आज शेयर करती हूँ, तो देखिए क्या बना रही हूँ मैं। आज बना रही हूँ कच्ची केले की सब्जी। तो कल लेकर आई थी मैंने, और ये कच्चे केले हैं, तो ये आधा किलो ही करीब कच्चे केले लाई हुई है। तो इनकी सब्जी बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है, तो इस सब्जी हम बाहर बच्चे खेल रहे हैं, बहुत ज़्यादा फूल हो रहा है। तो इनकी सब्जी हम दो तरह से बना सकते हैं, या तो आप इसे कट करके फ्राई करके चिप्स की तरह बना सकते हैं, या फिर डाल के बना सकते हैं। तो मैं बिल्कुल इसको आज डायरेक्ट सिंपल वाला वे बना रही हूँ, तो दोनों तरीके से अलग अलग टेस्ट आ रहा है। तो आपके साथ मैं आज एक बार फिर शेयर कर दूँ बिना फ्राई किए, और फिर नेक्स्ट टाइम मैं आपके साथ फ्राई करके भी शेयर करूँगी। तो जैसे भी आपको चाहे वैसे बना सकते हो, बहुत अच्छी लगती है सब्जी कभी कभी। और अंशु पीछे खेल रहा है, और चलिए मैंने बनाना शुरू करती हूँ सब्जी। मेरी हालत आज ऐसी खरी तकी से हो रही, क्योंकि कल ही हम आए हैं, और फिर थोड़ा सा होता है ना, फिर थोड़ा सा सफर वफर के बाद और थोड़ा सा मूड सा भी ऑफ सा रहता है। इसलिए जब घर से आओ ना, तो बहुत अजीब सा रहता है मूड, एक दो दिन तो बहुत ज़्यादा ऑफ रहता है, फिर उसके बाद धीरे धीरे करके अपना आप सेट हो जाता है। दो दिन तो ऐसा लगता है कि बस मन नहीं लगता है, बस फिर तो कोई काम होता ही नहीं, काम यूं ही पड़े रह जाते हैं। तो फिर भी थोड़ा बहुत मैंने कर लिया जो मैनेज कर सकती हूँ, कभी इधर से उधर इधर से उधर। और चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर मैंने केलों को पहले अच्छे से इस तरह से केले को तोड़ लेती हूँ, सबको अलग अलग करके, और इनको छील लेना है। तो इनको छीलना बहुत ही आसान होता है, तो पहले हम इसको इस तरह से कट करके और छिलक निकाल लेंगे। तो चाकू से भी निकाल सकते हैं या पीलर से, तो मैं पीलर से कर रही हूँ। तो ज़्यादा हमने इसका मोटा छिलक नहीं निकालना है, ऊपर से हल्का हल्का इस तरह से निकालना है, जो ग्रीन वाला पार्ट है ये पूरा उतार लेना है हमने इसका, और सारे केले इस तरह से छील के तैयार कर लेने हैं। और इस तरह मैं सारे केले छील लेती हूँ हमने। तो 10 से 15 मिनट के अंदर सब्जी बनके तैयार हो जाएगी, बहुत जल्दी बन जाती है। तो इस तरह से छील लेना है हमने, तो जो ग्रीन वाला पार्ट है इसको हमने पूरा अच्छे से निकाल लेना है ऐसे करके। तो सारे मैंने इस तरह से छील कर तैयार कर लिए, और अब इसको मैं इस तरह से गोल गोल कट कर लूँगी। तो गोल, या फिर हम इसे दो पीस में भी कट कर सकते हैं छोटे छोटे, तो गोल में ही ज़्यादातर कट जाते हैं चिप्स की तरह ये। तो इस तरह से गोल गोल चिप्स की तरह इसको मैं कट कर लेती हूँ, और ये मैंने सारे कट करके रख लिए। ये केले मैंने पूरे कट करके रख लिए अच्छे से, और दो मीडियम साइज के टमाटर, और एक छोटा सा एक मीडियम साइज का प्याज लिया मैंने, और चार पांच लहसुन कली लिए। बस ये ज्यादा कुछ नहीं डालूंगी मैं इसमें, और नॉर्मल मसाले डालूंगी मैं, नमक मिर्ची और अजवाइन, ये सब चीजें देखती हूँ क्या क्या डालूंगी, बताती रहूंगी आपको। और जो ये लहसुन की कलियां मैंने छीली थी, तो इसको गिलास में इस तरह से डाल के इसको अच्छे से कूट लेती हूँ थोड़ा सा पानी डाल के। तो इस तरह से लहसुन का बहुत अच्छा टेस्ट आता है इसमें, तो इसमें ग्रेट करके भी डाल सकते हैं हम इसको। और एक तरफ मैंने कढ़ाई रख दी है गर्म होने के लिए, और उसमें डाल देती हूँ सरसों का तेल। तो आप चाहे कोई सा भी कुकिंग ऑयल ले सकते हैं, तो मैं यहाँ पर सरसों के तेल में बना रही हूँ। तो सरसों का तेल मैंने रख देती हूँ उसमें गर्म करने के लिए। तो तेल जैसे ही मेरा अच्छा गर्म हो जाएगा, उसके बाद डालेंगे उसमें मसाले। तो उसमें डाल दूँ सबसे पहले मैं हींग पाउडर और राई दाना। तो राई दाने का बहुत अच्छा टेस्ट आता है इसमें, तो आधी चम्मच के करीब मैं इसमें राई दाना डाल रही हूँ, ज़ीरा और थोड़ी सी अजवाइन। जैसे ही अच्छे से अटक जाएगा, उसके बाद हम इसमें बाकी प्याज वगैरह ऐड करेंगे। तो जैसे ही अच्छे से भुन जाएगा, उसके बाद मैं इसमें डालूंगी प्याज। तो ये अच्छे से भुन गया है, इसमें प्याज डाल देती हूँ, और प्याज को एक दो मिनट भूनूंगी। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना, और बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि मेरी हर एक नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और ये देखिए प्याज को अच्छे डाल दिया मैंने इसमें, और एक दो मिनट तक इसे भूनूंगी। और इसी के साथ मैं इसमें डाल देती हूँ लहसुन, जो अभी मैंने कूट के रखा हुआ था। तो बहुत जल्दी बनके तैयार होती है झटपट ये सब्जी,
ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता और अच्छी भी लगती है। तो ये डाल दिया मैंने इसमें लहसुन, और इसको अभी 1-2 मिनट इसमें भून लूँगी। और अब ऐड करते हैं इसमें मसाले। तो मसालों में डाल रही हूँ मैं नमक स्वाद अनुसार, गरम मसाला, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर और लाल मिर्च पाउडर और अमचूर। तो यही हमने इसमें मसाले ऐड करने हैं बस। तो मसाले आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। और 1-2 मिनट मसाले भुनने के बाद इसमें मैं डालूँगी टमाटर। टमाटर को भी हल्का से इसमें भूनना है हमने अच्छे से पहले 1-2 मिनट। और फिर इसमें थोड़ा सा पानी डाल के हमने टमाटर को सॉफ्ट होने तक, बिल्कुल अच्छे से गलने तक पकाना है। तो इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर देती हूँ मैं, और जैसे ही अच्छे से गल जाएंगे उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे केला। तो ये मैंने डाल दिया थोड़ा सा पानी, और इसको 1-2 मिनट अब अच्छे से भूनती हूँ। और टमाटर का सॉफ्ट होने तक हमने इसे पकाना है। और इस तरह से टमाटर थोड़ी देर में ही गल के अच्छे से तैयार हो जाएंगे। और टमाटर अच्छे से सॉफ्ट हो गए हैं बिल्कुल। और इसमें अब ऐड कर देते हैं अपने केले, और थोड़ा सा पानी इसमें और ऐड कर लेंगे अगर जैसे आपको मसाला सूखा सा लगे तो। और देखिए मसाले ने एकदम से पानी छोड़ना, तेल छोड़ना शुरू कर दिया। तो इसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे जो हमने केले काटे थे स्लाइसिस में। तो इसको काट डालने के बाद इसको हमने हल्के हाथों से मिक्स करना है एकदम इस तरह से, और थोड़ा सा पानी डालकर इसको बस 1-2 मिनट भूनेंगे। और उसके बाद इसको ढक के 5 मिनट के लिए छोड़ देंगे, और 5 से 7 मिनट के अंदर ही ये अच्छे से गल के तैयार हो जाएंगे। तो इस तरह से इसको अच्छे से हमने मिक्स कर लेना है, और इसको थोड़ा सा पानी डालकर ढक के रख देना है। तो लगभग आधा गिलास के या 1 कटोरी के हिसाब से हमने इसमें पानी डाल के इसको ढक के रख देंगे। और चलिए अब देख लेते हैं, 5 से 7 मिनट हो गए हैं। तो देखिए केले कैसे हो गए। तो ये अपने आप ही सॉफ्ट हो जाएंगे इस तरह से। तो ये देखिए अच्छे से पक गए हमारे केले, और केले की सब्ज़ी बिल्कुल बन के तैयार है हमारी झटपट वाली। तो चलिए अब इसको सर्व कर लेते हैं। तो इसे आप पूरी, पराठा के साथ, रोटी के साथ, किसी के साथ भी सर्व कर सकते हैं। तो ये देखिए बन के तैयार है। तो इसको कर लेते हैं अब सर्व। तो इसको निकाल लिया मैंने एक बाउल में, और साथ में बना लिए इसके पराठे। तो ये हमारा आज का डिनर तैयार है। तो चलिए हम लोग करते हैं डिनर। तो आप लोग इसे बना के कीजिए ट्राई। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलती हूँ आपसे नए वीडियो, नए ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय।